तालिबान ने यूएन के जो मुख्यालय है उस पे हमला करके बहुत भयंकर मुसीबत बुला ली है। और अभी से कुछ दिन पहले ही हमने आपको खबर दिया था कि अमेरिका ने शुरू कर दिया है विध्वंसक एयर स्ट्राइक। उसके बाद कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, अब अमेरिका रुक जाएगा, ये तो अमेरिका केवल अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। लेकिन अब की बार जो अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है उसके बाद उसने समझा दिया कि वे अभी अफगानिस्तान से आएगा नहीं, भले ही उसने वापसी का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये अमेरिका एक शेर का काम कर रहा है जो दो कदम पीछे जा रहा है और फिर उसके बाद पूरी ताकत से अपने जो भी दुश्मन है उन पर वार करेगा और उनको नष्ट कर देगा। और इस तरह से अमेरिका के जो बड़े बड़े अधिकारी है उनका भी लगातार बार बार बयान आ रहा है कि अमेरिका जो है अफगानिस्तान के सेना को एयर सपोर्ट देता रहेगा, जो लड़ाकू विमान सपोर्ट है, जो बॉम्बर का सपोर्ट है वो लगातार देता रहेगा। और इसी कारण अब अफगानी सेना का कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हो चुका है और ऐसे में अफगानी सेना लगातार तालिबानी आतंकियों को मारे जा रहे हैं। और साथ में खबर है कि कई पाकिस्तान के बड़े बड़े अफसर जो अफगानिस्तान में घुसकर तालिबान के साथ मिलकर आतंक फैला रहे थे उनको भी मारा जा चुका है। और इसी कारण पाकिस्तान भी बेहद डरा हुआ है, क्योंकि अब क्या होगा कि अफगानिस्तान ने जिन पाकिस्तानियों को मारा है उनका सब उठा करके यूएन में पेश कर सकता है और फिर ये कह सकता है कि देखिए जी, पाकिस्तान हमारे देश में घुसकर और एक तरीके से कैसे छुपन छुपाई का युद्ध लड़ रहा है। और ऐसे में क्या होगा कि फिर अमेरिका के पास एक अवसर मिल सकता है कि अमेरिका खुलेआम पाकिस्तान पर भी हवाई हमले शुरू कर दे। दोस्तों आप समझ गए हैं ना, तो ये बेहद बड़ी खबर है और अमेरिका इस वक्त अफगानी सेना का मदद कर ही रहा है, लेकिन समय आने पर वो पाकिस्तान के भी कई ठिकाने पर हवाई हमला कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका ने तालिबान के सभी बड़े बड़े हथियार निर्माण वाले फैक्ट्री को बंद कर दिया है, उन सब पर हमले करके ध्वस्त कर दिया है एक तरीके से। और अब जो तालिबान है उनके पास हथियार की बड़ी कमी होने वाली है और ऐसे में उनका हारना लगभग अब तय माना जा रहा है, भले ही वे लोग चारों तरफ से 85% 90% कब्जा कर लिया हो, लेकिन जब से अमेरिका ने उनके हथियारों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया वे लोग सुरंग में छुप छुप कर हथियार बना रहे थे जगह जगह। वो सब खुफिया जानकारी को अमेरिका ने बाहर निकाला और उन सब पे एयर स्ट्राइक करके तालिबान के सभी हथियार को लगभग जो भी बड़े रॉकेट थे जितने भी उन सबको नष्ट कर दिया गया है। और अब आने वाले समय में देखने में दिलचस्प होगा कि तालिबान बिना हथियार के कैसे लड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुंचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दें। अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों द्वारा देश भर में केवल 24 घंटों में किए गए कई हमलों में कम से कम 100 तालिबानी आतंकवादी मारे गए और लगभग 90 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने स्थानीय सरकार के सूत्रों के हवाले से अपने रिपोर्ट में कहा है कि हेरात प्रांत में स्थानीय सार्वजनिक विद्रोह बलों द्वारा समर्थित सुरक्षा कर्मियों ने प्रांतीय राजधानी हेरात शहर और पड़ोसी जिलों गुजरा करुख और सियाबुस्तान पर आतंकवादी समूहों के हमलों का जवाब दिया, जिसमें 52 तालिबान आतंकवादी मारे गए। सूत्रों ने कहा कि अफगान वायुसेना के A-29 युद्धक विमानों ने भी जमीनी वालों के समर्थन में कई हमले किए। अफगान सुरक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि इसके अलावा हेरात के घुरियान जिले में किए गए हवाई हमलों में 13 तालिबान आतंकवादी मारे गए और 22 अन्य आतंकी मारे गए। बयान में यह भी कहा गया है कि सुरक्षा बलों की छापेमारी कार्रवाई के दौरान हथियारों और गोला बारूद के साथ साथ वाहन नष्ट हो गए। सेना की 215वीं माइवेंट कोर ने एक बयान में कहा कि हेलमंद में प्रांतीय राजधानी लश्कर गाह के बाहरी इलाके में तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। बयान में कहा गया है कि हवाई हमले के दौरान कई तालिबान आतंकवादी मारे गए और घायल हो गए। रक्षा मंत्रालय के अनुसार कंधार प्रांत में जहाड़ी जिले में तालिबान के एक समूह को युद्धक विमानों द्वारा निशाना बनाए जाने के बाद 36 आतंकवादी मारे गए और 20 घायल हो गए। कई अफगान प्रांतों में हाल के महीनों में भारी लड़ाई देखने को मिल रही है, क्योंकि तालिबान आतंकवादियों ने सरकार के खिलाफ अपनी
लड़ाई जारी रखी है। जुलाई के दूसरे पखवाड़े में अफगानिस्तान में एक 16 वर्षीय नाबालिग कमर गुल ने तालिबानी आतंकियों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए दो तालिबानी आतंकवादियों को मार गिराया। इन आतंकियों ने उस नाबालिग बच्चों के माता पिता की उसकी आंखों के सामने ही हत्या कर दी थी, जिसके बाद वो गुस्से से पागल हो गई और जब इस नाबालिग बेटी ने जब हथियार उठाया तो दो तालिबानी आतंकियों को तो वही ढेर कर दिया, जबकि कई आतंकी घायल होकर अपनी जान बचाकर वहां से भागे। अब इस बहादुरी बेटी की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। तो वही अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, जहां तालिबान लगातार बड़े शहरों पर कब्जा करता जा रहा है। इस बीच शुक्रवार को पश्चिमी अफगान प्रांत की राजधानी हेरात प्रांत में संयुक्त राष्ट्र के मुख्य परिसर पर हमला हुआ, जिसमें अभी तक एक गार्ड के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अफगान अधिकारियों के मुताबिक लगातार तालिबानी लड़ाकों के हेरात शहर में घुसने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को कई घंटों तक अफगानी बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ जारी रही। इसी बीच रॉकेट और हथगोले से संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय पर हमला हुआ। घटना पर यूएन ने कहा कि वो हालात की पूरी रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि परिसर पर हमला किसने किया। फिलहाल शहर के सभी राजनीतिक परिसरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वही अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष प्रतिनिधि डेरोवा लियोन ने कहा कि यूएन के खिलाफ ये हमला बहुत ही निंदनीय है। उनके मुताबिक हमले में यूएन का कोई कर्मी घायल नहीं हुआ। वही दूसरी ओर हेरात शहर में तालिबान की एंट्री को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, जिस वजह से स्थानीय लोग अब जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार सुबह से तालिबान लश्करगाह शहर पर कई दिशाओं से हमला कर रहा है। लश्करगाह पाकिस्तान की सीमा से लगे दक्षिणी प्रांत हेलमंद की राजधानी है। रक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से तालिबान ने कई इलाकों पर कब्जा किया, लेकिन अभी तक किसी भी प्रांतीय राजधानी पर कब्जा नहीं किया है। ऐसे में लश्करगाह और हेरात पर हमला काफी ज्यादा चिंताजनक है। तो वही दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। पीओके चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही विपक्षी पार्टियों ने इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीएमएलएन के महासचिव एहसान इकबाल ने बताया, पहले चरण में पार्टी के उम्मीदवार पीओके में अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में विरोध रैलियां करेंगे, जिसके बाद पार्टी नेतृत्व आगे की रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने बताया, पीओके चुनाव के नतीजे और सियालकोट में उपचुनाव ने यह साबित कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ की वर्तमान सरकार लोगों की सच्ची प्रतिनिधि नहीं है और पीओके के चुनाव में जबरदस्ती और धांधली करके नतीजे पेश किए गए हैं। इमरान के खिलाफ चुनाव आयोग का नोटिस। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान को अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ में तय समय के भीतर आंतरिक चुनाव नहीं कराने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने इमरान को 14 दिनों के अंदर इसका जवाब देने को कहा है और ऐसा नहीं करने की स्थिति में कड़े कदम उठाए जाने की बात कही है। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण देशभक्ति वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।